बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ जो मैंने होममेड नूडल्स की रेसिपी शेयर की थी और अब मैं उसको आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप चिकन लिया है बोनलेस, और यहाँ पे मेरे पास सब्जियाँ हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है। आपको और भी जो सब्जी अच्छी लगती है वो आप डाल सकते हैं। एक खाने का चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये होममेड नूडल्स की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें हैं, हाफ हाफ टी स्पून है लाल मिर्च पाउडर, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे थोड़ी सी स्पाइसी बनती है। और हाफ टी स्पून ही मेरे पास वाइट पेपर है, और जो सफ़ेद मिर्च होती है, और ये काली मिर्च है, नमक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और यहाँ पे एक चाय का चम्मच मेरे पास सिरका है, और दो चाय के चम्मच मेरे पास बूस्टर सॉस है। चलिए आप इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। चिकन का जब कलर चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको भी मैंने साथ फ्राई करना है, साथ ही मैंने इसके अंदर नमक मिर्च डाल देनी है। और अगर आपके पास चिकन का वो जो मैगी, पनीर की मैगी मिलती है उसका मसाला हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं, और अगर ना हो कोई भी चीज़ तो आप ना ऐड करें। इसे मैंने थोड़ा सा डाला, इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम हल्की फ्लेम पे चिकन को हमने गाल लेना है, फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी। यहाँ पे चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर जो ये गाजर और शिमला मिर्च है ये डालूंगी, और साथ बंद को भी डालूंगी। और इनके साथ ही मैंने सिरका और ये वूस्टर सॉस डाल देनी है। इसमें जो होम मेड एग नूडल्स हैं वो डाल लिए इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर देना। तो माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लग रही है हमारी होममेड एग नूडल्स। चलिए जी, अब इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से तैयार है हमारी एग नूडल्स होममेड। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, उससे मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप फुल वॉच वीडियो किया करें, और ऐसे ही आके तो बस कमेंट्स करके ना जाइए करें। अल्लाह हाफिज़।